नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्लिपकार्ट की एक नई सेल के बारे में। जी दोस्तों, आपको इस सेल में काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलते हैं स्मार्टफोन के ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इसी सेल के बारे में बात करूंगा और आपको दोस्तों बताऊंगा कि आप इस सेल के अंदर किस किस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हो जो दोस्तों आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकते हैं सेल के बाद। जी दोस्तों, वैसे तो इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर आप इस फ़ोन को, इन जो फ़ोन में बताने वाला हूँ, अगर आप उन फ़ोन को सेल के अंदर खरीदते हो तो वो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होंगे। तो दोस्तों, इस सेल के अंदर काफ़ी स्मार्टफोन है जो आपको सस्ते दामों में मिल जाएंगे, बट वो दोस्तों सभी फ़ोन वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो आज मैं दोस्तों आपको कुछ ऐसे सिलेक्टेड फ़ोन बताऊंगा जो आपको वैल्यू फॉर मनी हो सकते हैं। और अभी दोस्तों, अगर कोई आप फ़ोन लेने की सोच रहे हो तो आप कुछ टाइम में बैठ सकते हो। और दोस्तों, उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लो, जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप एक अच्छा फ़ोन खरीद सको। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि काफ़ी लोग होते हैं जो अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीदने की सोचते हैं, बट दोस्तों उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो अपने लिए एक फ़ोन तुरंत से खरीद सकें। तो वो अपने लिए पैसे इकट्ठे करते हैं और तब जाके एक फ़ोन खरीदते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसे में आप एक ऐसा फ़ोन खरीद लो जो आपके लिए खरीदने के बाद वैल्यू फॉर मनी साबित ना हो, तो दोस्तों आपको बहुत दुख होगा। इससे बेटर है दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखो, और इस वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे समझ में आएगा कि आपको कौन सा फ़ोन इस सेल से लेना चाहिए जो दोस्तों आपके प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा वैल्यू फॉर मनी साबित हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो पर डालूं तो आपको उसकी नोट में सबसे पहले मिल सके। तो इसलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस सेल के बारे में बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस सेल के टाइम की। ये दोस्तों, ये सेल कब स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सेल दोस्तों आपको 8 मार्च से स्टार्ट होने वाली है और 12 मार्च तक चलेगी। और दोस्तों, सबसे अच्छा ऑफर इस सेल में जा रहा है कि इस सेल में दोस्तों जो स्मार्टफोन है उनके ऊपर जो डिस्काउंट देखने को मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, प्लस दोस्तों एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट देखने को अलग से मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको डबल डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको अब स्मार्टफोन की तरफ ले चलता हूँ कि आपको कौन कौन से स्मार्टफोन इस सेल में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पहले फ़ोन की बात करें तो जाता है पोको की तरफ से। जी दोस्तों, पोको का X3 आपको इस सेल में 15,000 रुपये का देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस फ़ोन के ऊपर आपको इस सेल में 3 ऑफर देखने को मिलेंगे। पहला दोस्तों, ये आपको 15,000 रुपये देखने को मिलता है सेल के अंदर। दूसरा, इसके ऊपर 500 रुपये का प्रीपेड डिस्काउंट देखने को मिलता है अगर आप इसे किसी भी डेबिट कार्ड से परचेस करते हो, क्रेडिट कार्ड से इसमें कैश पेमेंट करते हो इसका, तो आपको 500 रुपये डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा। प्लस दोस्तों, अगर आप इसका पेमेंट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से करते हो, तो दोस्तों प्लस आपको 10% डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये फ़ोन आपको एक्सिस बैंक के कार्ड से सिर्फ कितने का पड़ सकता है, 500 रुपये आपके प्रीपेड कम हो जाएंगे, तो रह जाएगा 14,500 रुपये का। और दोस्तों, 1,000 रुपये कम हो जाएंगे 10% वाले, तो ये दोस्तों 13,500 रुपये में पड़ सकता है, जो दोस्तों मैं बोलूँगा 13,500 रुपये में काफ़ी अच्छी डील है पोको एक्स की तरफ से। क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर जो हमें प्रोसेसर दिया गया है वो है स्नैपड्रैगन का 732G, जो दोस्तों एक लेटेस्ट प्रोसेसर है जिसमें आप दोस्तों काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हो, और काफ़ी बड़ी डिस्प्ले दी गई है, बैटरी भी काफ़ी बड़ी है। दोस्तों, आपको इस फोन में बिल्कुल भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। हाँ दोस्तों, इसमें एक कमी है कि इसकी दोस्तों थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें आप दोस्तों आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है, पर यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है। और दोस्तों, अगर आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तो आप इस फोन को बेट टेंशन कह सकते हो। 13,500 रुपये में दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि दोस्तों सेल के बाद इसकी प्राइस फिर से 17,000 रुपये देखने को हो जाएगी। तो 13,500 रुपये में दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अब दोस्तों, दूसरे फ़ोन की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये फ़ोन है आईफोन की तरफ से। दोस्तों, काफ़ी लोग होते हैं जिनको एक छोटा सा फ़ोन चाहिए होता है, जिनको दोस्तों ना गेमिंग करनी होती है ना ही दोस्तों वीडियोग्राफी करनी होती है, उनको चाहिए होता है एक फ्लैगशिप फ़ोन जो दोस्तों अच्छी कंपनी का हो और उनके हाथों में अच्छे से ग्रिप हो जाए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आईफोन ऐसी की। दोस्तों, ये फ़ोन आपको इस सेल में 30,000 रुपये देखने में मिल जाएगा। और दोस्तों, भाई बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड से इसका पेमेंट करते हो तो आपको 10% अलग से मिल जाएगा। तो ये फ़ोन आपको इस सेल में 28,000 रुपये का पड़ सकता है। तीसरा फोन दोस्तों फिर से आईफोन की तरफ से, वो है दोस्तों iPhone XR। ये फ़ोन इस सेल में आपको 39,000 रुपये देखने मिल जाएगा, प्लस दोस्तों 10% का डिस्काउंट, तो आपको ये फ़ोन आपको और भी सस्ते मिल जाएगा। दोस्तों, अगले ऑफर की बात करें तो जाता है आईफोन के ऊपर, iPhone 11 दोस्तों इस सेल में आपको 49,000 रुपये देखने मिल जाएगा। और दोस्तों, कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो ये फ़ोन आपको और भी कम का पड़ सकता है इस सेल के अंदर। जो लोग दोस्तों आईफोन लेने सोच रहे हैं वो कुछ टाइम वेट कर सकते हैं, कि दोस्तों आईफोन के ऊपर इस सेल में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को आपको मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं अगली डील की। तो दोस्तों, ये है एक बैड डील, जिन लोगों के पास दोस्तों 10 से 12,000 रुपये तक का ही दोस्तों बैलेंस होता है और वो एक ऐसा पहुँचाते हैं जिनको दोस्तों सब कुछ मिले, तो दोस्तों उनके लिए एक अच्छा ऑफर है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पोको के M2 Pro की। दोस्तों, ये फ़ोन आपको इस सेल में 12,000 रुपये देखने को मिल जाएगा।
और अगर आप दोस्तों आप इसका पेमेंट एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड से करते हो तो ये फ़ोन आपको 10,500 रुपये का पड़ सकता है। दोस्तों काफ़ी अच्छी डिवाइस है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है और दोस्तों काफ़ी अच्छी प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। आप इस फ़ोन को बिल्कुल भी मिस मत करना, अगर आपको बजट ज़्यादा नहीं है तो आप इस फ़ोन पर जा सकते हो, काफ़ी अच्छी डील है। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं एक ऐसे फ़ोन की जो दोस्तों एक ऑलराउंडर फ़ोन है, जो दोस्तों वैसे तो इसकी प्राइस 35,000 रुपये समथिंग है, बट ये फ़ोन आपको इस सेल में सिर्फ 25,000 रुपये देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ IQ3 की। दोस्तों इसकी सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो इसमें मिलती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले और दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 865, जो दोस्तों एक काफ़ी बड़ा प्रोसेसर है जिसमें दोस्तों आप कितनी भी गेमिंग आई करो, कितनी भी मल्टीटास्किंग करो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसका दोस्तों N2 स्कोर भी 6 लाख के आसपास है, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। दोस्तों ये फ़ोन अभी आपको सेल के बाद और सेल से पहले 30,000 रुपये का मिल रहा था, बट अभी इसकी जो प्राइस सेल के अंदर वो है 25,000 रुपये। और अब और दोस्तों अगर आप इसे कार्ड से पेमेंट करते हो एक्सिस बैंक के कार्ड से, तो ये फ़ोन आपको 23,500 या 24,000 रुपये का असर पड़ सकता है। तो दोस्तों यही थी दोस्तों वो 3-4 डील जो दोस्तों काफ़ी अच्छी अच्छी डील आपको इसके अंदर मिलती सेल के अंदर। वैसे दोस्तों इसमें काफ़ी फ़ोन है, ये मैं देख रहा हूँ इस अपने फ़ोन में, इनमें दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर दिखाए जा रहे हैं, बट दोस्तों जो वैल्यू फॉर मनी नहीं है ज़्यादा, जो मैंने आपको बताया है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। जो वीडियोस मैंने आपको बताया हैं उन्हें आप बिना टेंशन कह सकते हो इस सेल के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।